अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्ते, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजो ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आगाज़ करण लाइ मिड टाउन रोटरीअ में हिकु मीटिंग रखी वई, जिते महानगर पालिका जो कमिश्नर, स्टैंडिंग कमेटीअ जो चेयरमैन, केतिराई नगर सेवक ऐं मनपा जा कर्मचारी मौजूदु हुया। अचो त ॾिसूं था छा थियो इन मीटिंग में। या शहराच्या असोसिएटी जी जबाबदारी जसं मी म्हणेन की माझी आहे, तशी प्रत्येक नागरिकाने सुद्धा माझा परिसर अच्छे अस्वच्छ राहतो याला मी जबाबदार आहे असं जेव्हा म्हणेन, त्यावेळेस उल्हासनगर शहर स्वच्छ होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं सुरू होईल। मित्रांनो, मगाशी सांगितलं आपल्या शहरामध्ये दिनचर्या जर आपण बघितली, देशामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता असलेलं हे शहर, एका चौरस किलोमीटरमध्ये आपण 50,000 लोक राहतो आणि या 50,000 लोकांचं जेव्हा तिथं राहणं आहे, त्यावेळी ती कचरा गोळा करण्याची जी परिस्थिती जी आहे ती अत्यंत कठीण असते। पण आपले हे सफाई सैनिक जे आहे सर्व काम मनापासून इमानीद्वारे करतात आणि हे सकाळी काम करतात। मराठी सांगितलं सकाळी 6, 4, 5 काय वाटेल तसं, ज्याला कामाचं तसं ओझे तसं कर्मचारी येतात। काही काही कुटुंबातले सदस्यांना पण घेऊन येतात, मला होत नाही, माझा हात दुखतो, माझा पाय दुखतो, मदत येईल असे पण काही कुटुंबातले सदस्य घेऊन येतात। आणि ते साफसफाई झाल्यानंतर 11-12 जेव्हा दुकान उघडलं जातं, त्यावेळेस आम्ही आपलं आरामात दुकान उठून साफसफाई करतो आणि तो झाडू जो आहे त्याने डायरेक्ट रस्त्यावर गटरमध्ये कचरा टाकतो। एकवेळ रस्त्याचा कचरा साफ करायला सोपा पडतो, जो गटरमध्ये असतो गटर कामगारांचं काम करण्याची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर त्यांना गटरमध्ये उतरून कधी त्यांचे प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स असतील कधी नसतील अशा परिस्थितीने जेव्हा काम करावं लागतं। 2020 सर्वेक्षण में जो सफाई कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत भेजा है, इस बार भी हम लोग 2020 में की इस सफाई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे कामगारों की, वो हमारे कामगार जो दिन रात एक कर कर सफाई करते हैं। परंतु मैं पूरे शहर से अपील करूंगा कि आप अपने परिसर के आजू बाजू में भी थोड़ी सफाई रखें, प्लास्टिक नालियों में ना डालें, क्योंकि प्लास्टिक नालियों में डालने से हमारा ही नुकसान है। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले देखा कि फर्नीचर बाज़ार में जो इतनी बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तो उसका कारण था बहुत सारी प्लास्टिक और प्लाईवुड उनमें से नीचे नालियों में से निकलना। तो कृपया करके हम सब मिलके अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कुछ वक्त अग में पुलिस क्वार्टर्स जी जमीन विवाद जे घेरे में हुई, पर हींअर एसडीओ वारन पुलिस वारन के उन जमीन जा पेपर ए सनत दिनी आहे। हलूं था इन खबर डा। उल्लासनगर कैंप 4 मध्ये 1945 पासून पोलीस वसाहत होती,
तिचा नंबर आहे बॅरेक नंबर 1257-1258. ही वसाहत महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होती आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असल्यामुळे प्रांत कार्यालय यांनी नजरचुकीने ती जागा खाजगी व्यक्तीस दिलेली होती आणि खाजगी व्यक्ती ताबा घ्यायला आले आणि त्यानंतर पोलीस विभागात सदरची घटना माहीत झाली. या घटनेनंतर आम्ही सदर जागा खाजगी व्यक्तीस देण्यावर हरकत नोंदवली आणि हरकत नोंदवल्यानंतर आमचे माननीय पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर साहेब, रेजंट साहेब, दत्ता खराळे साहेब, DCP प्रमोद शेवाळे साहेब, ACP टिळे साहेब यांनी सदर जागा नावावर करण्याबाबत कोणकोणती कागदपत्रं सादर केली पाहिजे याविषयी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आणि आम्ही ती जागा त्या जागेबाबत प्रांत कार्यालयाकडं कागदोपत्री पुरावा आमचा हजर केला आणि ते हजर केल्यानंतर सदर जागेबाबत नगरभूम वन विभागाचे राठोड साहेब आणि त्यांचा सर्वेअर मुनेश्वर यांनी पण पोलीस विभागात चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं. पावसाळ्याचे दिवस असताना सुद्धा त्यांनी जागेची मोजणी करून दिली आणि ती मोजणी केल्यामुळे आम्ही सर्व कागदपत्र प्रांत कार्यालयाकडे दाखवू शकलो आणि प्रांत कार्यालयाने माननीय गिराशे साहेब यांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून पोलीस विभागाच्या ताब्यात असलेली जागा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होती ती जागा माननीय पोलीस आयुक्त ठाणेसर यांची नावे करून दिली व त्याची सरद आज रोजी आम्हाला देण्यात आलेली आहे. उल्हासनगर विभागामध्ये ज्या सगळ्या जागा आहेत त्या महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहेत आणि पोलीस विभागाचा सन 1945 त्या वसाहतीवर ताबा आहे आणि याबाबत आमचे पोलीस उपायुक्त प्रमोद कुमार शेवाळे साहेब आणि ACP टिळे साहेब यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. आम्ही सर्व जागांचे आमच्या नावावर हवेत म्हणून पत्रव्यवहार केलेले आहेत व सर्व पत्रव्यवहारानुसार सर्व जागा पोलीस विभागाची नावे करण्याबाबत गिराज साहेबांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे व त्याबाबत आम्ही काम करत आहोत. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. रस्तनि जे मामले में प्रशासन जा वायदा खोखला साबित थिया आहिनि. केतिरे वक़्त खां प्रशासन जो ध्यानु छिकाइण जी कोशिशि कई वञे थी त हेतिरी बारिश में रस्तनि जा खॾा खुॿा ईंदड़ वेंदड़ वाहननि खे तकलीफ़ ॾेई रहिया आहिनि, पर इन जो को बि इलाज अञा ताईं न कढियो वियो आहे. वेतर उहे खॾा वञनि था वधंदा. जेको रस्तो हूअं आम तरह सां 15 मिंटनि में काई गाॾी तइ करे उनखे अधु कलाकु लॻी वञे थो. शहर के रास्तों की खस्ता हालत दिन ब दिन और भी बद से बदतर होती जा रही है. वहीं उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जल्द से जल्द रास्तों के दुरुस्ती के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी पास कर दिया गया है और साथ ही साथ 522 में भी इस रास्ते की दुरुस्ती के लिए कार्य किया जाएगा. लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त और उनके साथ साथ शहर की गणमान्य नेताओं के और प्रशासन के आश्वासन झूठे साबित हुए. शहर की खस्ता हालत लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी और ऐसे में लोगों की जानें भी शहर भर में खतरे में नजर आ रही है. बहरहाल अब देखना यह है कि त्योहारों के आने से पहले शहर के रास्तों में कुछ बदलाव आता है या फिर यूं ही ये लोगों की जान के कारण बनते रहेंगे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. स्वच्छ भारत जे तहत नगर में अलग अलग जॻहियुनि ते सुलभ शौचालय ठहिराया विया आहिनि, पर इन खां पोइ बि किथे किथे ॾिठो वियो आहे त के नागरिक ॿाहिरि खुले में पेशाब कनि था. त सफ़ाईअ जो कमु सिर्फ़ु प्रशासन जो न आहे, नागरिकनि खे बि पंहिंजी ड्यूटी चङी तरह सां निभाइणी आहे. हलूं था इन ख़बर ॾांहुं. शहर भर में कई जॻहियूं पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दृश्य देखने को मिलते हैं कि नागरिक स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए खुले में सोच या फिर लघु शंका करते हुए दिखाई देते हैं. तो जिस प्रकार से देश को स्वच्छ बनाने की जो मुहिम चल रही है, भले ही इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम हो, लेकिन हम आम जनता को इसमें सहयोग देना चाहिए. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. नेहरू चौक खां सीरू चौक ॾांहुं वेंदड़ रस्ते ते गाॾियूं ॾिठियूं वयूं आहिनि त डबल, ट्रिपल ऐं किथे किथे त चौबल पार्किंग बि आहे. उन जे करे ट्रैफिक जी समस्या थिए थी ऐं हूअं इहो रस्तो वन वे रस्तो आहे, पर ॿिन्ही तरफ़नि खां गाॾियूं ईंदे ॾिठियूं वयूं आहिनि. उल्हासनगर तो नेहरू चौक से लेकर शीरू चौक तक का ये मार्केट परिसर, जहाँ यातायात की समस्या मानो आम बात है.
यातायात की समस्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम जनता है। इस मार्केट के स्थानिक व्यापारी तथा खरीदी के लिए आने वाले ग्राहक अपने अपने दुपहिया वाहन दुकानों के बाहर रास्ते के बीचों बीच पार्क कर देते हैं। रास्ते के दोनों तरफ रास्ते के बीच तक पार्क किए हुए वाहनों के कारण ये छोटा सा रास्ता और छोटा हो जाता है और नतीजा यातायात की समस्या। देखा जाए तो ये रास्ता वाहतूक विभाग प्रशासन द्वारा बहुत सालों पहले ही वन वे घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी आम जनता वाहतूक विभाग के नियमों का उल्लंघन कर दोनों तरफ से वाहनों का आवान जावान करते हैं। वाहनों को रास्ते में पार्क करने वाली जनता अपनी परेशानियां खुद बढ़ा रही है। खासकर त्योहारों के समय ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दृश्यों से ये बात तो साबित होती है कि आम तौर पर अपनी समस्याओं के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने वाली आम जनता खुद अपनी परेशानियों को नियोता देने का काम कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वी टीवी जे कलाकारन सिंधु यूथ सर्कल ओम योगा केंद्र ए कुछ एनजीओस गडजी 8 अगस्त ते सिंधु यूथ सर्कल में अगस्त शो रखियो जेको तमाम कामयाब वियो। दिसों था इन प्रोग्राम जो कुछ झलकियों। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कुछ महिलाओं जेके सिलाई करे पेंजो करियर ठाण चाहन थी पर उन्हें सिलाई की जान ना है, नॉलेज ना है। उन्हें लाए गंगा जल फ्रंट साई पार्टी के पारा ATDC कंपनी जेका सरकार से जुड़ियल है उहे सिलाई जो फ्री कोर्स शुरू करे रहा है त जी उ महिलाओं सिलाई सीखी सगन ए पान कुछ करे सगन। उनन के अग्या कम मिलन जी भी गारंटी दिनी वने थी। इन बारे में वधिक बुधा रहा है साई पार्टी जो एक नगर सेवक। आने वाले कुछ दिनों में जैसे हम लोग कहते हैं महिला को सम्मान मिले, हम नव निर्वाचित नगर सेवक है, हम चुन के आए। हमें लगा कि वार्ड के लिए कुछ करना है, शहर के लिए कुछ करना है, बहुत दिल में तमन्ना थी हमारे करने की। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए दिल को ऐसा हमें लगता है ऐसा कि भाई हमने कुछ अच्छे कार्य किए और शायद ऐसा हर किसी को मैं समझता हूँ ये काम में आकर के सहयोग देना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। और कुछ ही दिनों में 10 से 12 दिनों के अंदर मैंने एक ATDC कंपनी है, ATDC कंपनी नामक हमारे गवर्नमेंट से जॉइंट है, तो हमारे गवर्नमेंट से UMC से NULM डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से मैंने महिलाओं के लिए फ्री कोर्स सिलाई मशीन का 10 से 12 दिन के अंदर चालू करवाने वाला है। अगर किसी को भी उस चीज़ की सीखने की कोई भी महिला इच्छुक है तो आकर के मेरे ऑफिस में मुझसे संपर्क करें। 10-12 दिन में ये सुविधाएँ चालू होगी। उसका पता है यहाँ पर मेरे ही वार्ड में सुभाष नगर में समाज मंदिर हॉल है, पेटॉक्सफर्ड स्कूल के पास, वहाँ पर वो सुविधा मैं चालू करने वाला हूँ। 25 से 30 सिलाई मशीन है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिलाई मशीन का कोई सीखने का कोई कॉस्ट नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 महीना सिलाई मशीन सिखाने के साथ साथ मैं उनको 3,000 रुपया अलाउंस भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, उसके साथ उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन जिस जो लेडीज़ चाहती हैं काम करने में इच्छुक है उनको घर बैठे बैठे जॉब प्लेसमेंट भी है और उनको बाहर जॉब का प्लेसमेंट भी दिया जाएगा सिलाई मशीन से। तो यही सब सुविधा है, ये सब सुविधा हम करना चाहता हूँ। बाकी बस सब लोग का साथ चाहिए, बस आप लोग से अपील यही, आप लोग आइए
इस योजना का लाभ लीजिए। जितने भी हम कार्य करते हैं, ये सब कार्य करने की क्षमता, ये सब कार्य करने की प्रेरणा, हमारा जो पक्ष है शाही पक्ष, गंगा जल फ्रंट, एक ईमानदार कोशिश, इससे हमें ये सब चीज़ों की प्रेरणा मिलती है। और आने वाले दिनों में हम शहर के लिए और भी बहुत अच्छा कुछ सुविधाएं करेंगे, बहुत सी अच्छी योजनाएं लाने की कोशिश करेंगे। ये सब हमारे सभी अधिकारी, जितने भी हमारे टीम में शाही पक्ष की टीम है हमारी, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने उप महापुरुष श्री जीवन इंद्रानी जी को, जिनके प्रेरणाओं से हमें कुछ ज्ञान सीखने को मिलता है, वो मेरे गुरु हैं, उन्हें मैं गुरु मानता हूँ अपना, तो उस हिसाब से उनकी प्रेरणाओं से मुझे बहुत कुछ आगे सीखने को मिला है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कर्म योगी कृष्ण स्वरूप सदगुरु स्वामी शांत महाराज जी का 113वां जन्म उत्सव और 26 पुण्यतिथि इस आश्रम में बड़े धामधूम से 14 अगस्त बुधवार से 17 अगस्त शनिवार तक बड़े धामधूम से मनाई जाएंगी। भक्ति करे पाताल में प्रकट हुए आकाश रजब तीनों लोक में शिपेन हरि का दास, सात समुद्र से आई करूं, लेखनी करूं सब वन राय, धरती सब कागज करूं, तब भी सदगुरु की महिमा लिखी न जाए। ऐसे ही सदगुरु स्वामी शांत महाराज जी सिंध में, हिंद में और विदेश में भी गुरु महाराज का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया, साथ ही गौ सेवा की एकादशी का व्रत रखाया। ये जो आश्रम में तीर्थ स्थान है, कल्प वृक्ष है, या जो भी भक्त आते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है। आप भी आकर इस मेले में आशीर्वाद लें और जो भी आपकी इच्छा है वो मनोकामना हर पूरी होगी, क्योंकि स्वामी जी ने देश विदेश में सदगुरु स्वामी टेणा महाराज का प्रचार किया था। जो गुरु की आज्ञा, गुरु के वचनों पर गुरु का प्रचार करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के आगे झुकता है, उनके आगे दुनिया झुकती है। ये तो परिणाम है कि सदगुरु महाराज जी का आज नाम विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी तेरा नाम रहेगा। और 14 अगस्त और 15 अगस्त 16-17 सुबह शाम सत्संग होगा, 7 से सुबह 10 बजे तक, शाम को 4 से 8 बजे तक। 15 अगस्त स्वामी जी का जन्म पुण्यतिथि है, नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन, शाम को बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। 17 अगस्त को सुबह को पाठों का भोग, 10 से 12 बजे विशाल संत समागम, और उसके बाद संतों का पूरे भक्तों का भंडारा होगा। और शाम को 4 से 6 बजे पलव पाए जाएंगे स्वामी देव प्रकाश जी मेरा अपने संत मंडली के साथ। इसलिए भक्तजनों, नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन ये होता है भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, और भाई और बहन, पति और पत्नी का मेलाप। इसलिए गुरु महाराज जी ने नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन अवतार लिया था, तो आप भी आएंगे तो गुरु के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे, तो आपके भी बंधन टूट जाएंगे, जो भी है अशांति वो टूट जाएंगे, लेकिन गुरु में, भगवान में प्रीति जागेंगी। और इस अवसर पर 10 तारीख से 15 तारीख तक अखंड नाम कीर्तन गौशाला में चालू होगा 113 घंटे, उसमें भी आप लाभ लें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। Hey guys, this is Meghna Khag. Welcome to the all new episode of Beauty Secrets. Today I am sharing a homemade DIY under eye gel. ये जेल आपके under eyes areas के dark circles, wrinkles, fine lines जैसी problems को खत्म कर देगा। So homemade DIY under eye gel बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए 1 tablespoon of aloe vera gel, 1/4 teaspoon petroleum jelly, 4-5 drops of coconut oil, 2 vitamin E capsules. अगर vitamin E capsules available ना हो तो उसके जगह पर आप glycerin भी use कर सकते हो। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये मिक्सचर थिक क्रीमी फॉर्म में ना आए तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है, और आपका होममेड DIY अंडर आई जेल तैयार। अब आप इस जेल को किसी क्लीन ग्लास कंटेनर में निकाल ले और इस जेल को लगभग 8 से 10 दिनों तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर ले। अंडर आई जेल के बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपने रिंग फिंगर से इस जेल को अपने अंडर आई एरियाज में अप्लाई कर सकते हो।
इसमें एडेड एलोवेरा में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके आंखों के नीचे की पफिनेस को कम करता है। इसी के साथ साथ एलोवेरा आपके आईज एरिया के डेलिगेंट और सेंसिटिव स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है। अंडर आई जेल को आप अपने अंडर आई एरियाज में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मसाज कर सकते हो। इस जेल में एडेड पेट्रोलियम जेली आपके स्किन को ड्राइनेस से हुए रिंकल्स को कम करती है और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रखती है। इस जेल में एडेड विटामिन ई में है एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके स्किन सेल्स को हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है और आपके डार्क सर्कल्स को कम करता है। रोजाना रात को सोने से पहले इस जेल को अपने अंडर आई एरियाज में अप्लाई कर ले और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ठंडे पानी से इस जेल को धो ले। यू विल गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी मजेदार और उतने ही फायदेमंद ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ब्यूटी सीक्रेट्स। बाय बाय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क लेटेस्ट न्यूज ए मंच टीवी जा ब्या प्रोग्राम्स दिसण जे लाय YouTube ते मंच टीवी जे चैनल के सब्सक्राइब ए लाइक जरूर कयो। हीर असा अज जे सिंधी एपिसोड के ते विराम दियूं था। वरी तवा सा मिलंदासी कुछ नई ए ताजा तरीन जान सा तवा जे पेंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें पेंजो शहर ए पेंजो गालियों में। त हीर मोकलायूं था। धन्यवाद।